किसान कानून बिल के विरोध में आज मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्गत आने वाले लाहार में कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा एक किसान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर किसान सवार होकर आए और रैली का आयोजन नगर के महाराणा प्रताप से शुरू हुआ और पचपेड़ा तिराहे होते हुए भाटन ताल पर आम सभा में परिवर्तित हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारी तादाद में ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है और आम सभा का आयोजन चल रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में आज लाहार विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। दरअसल देश का किसान पिछले कई दिनों से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है, लेकिन सरकार अब तक बातचीत सफल नहीं हो सकी है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे से सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी क्रम में लाहार में किसान आंदोलन के समर्थन में डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में ट्रैक्टर मौजूद रहे। वहीं कई किसान सुबह से ही इस रैली में शामिल होने के लिए लाहार पहुंचे। इस रैली का आयोजन नगर के महाराणा प्रताप चौराहे से शुरू हुआ, जो पचपेड़ा तिराहे पर होते हुए भाटन ताल पर पहुंची और एक आम सभा में परिवर्तित हो गई। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोगों की भीड़ इस आम सभा में मौजूद है और ट्रैक्टरों की भी भारी भीड़ इस रैली में शामिल हुई। सभा में कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीन बिल लागू किए हैं उन्हें शीघ्र वापस लिया जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में भी इसका विरोध किया जाएगा। और क्या बोले पूरे मामले पे किसान एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जो है इसमें शामिल हुए हैं, तो किसान कानून बिल जो पास हुआ उससे क्या जवान साहब इसमें किसान मजदूर जो छोटा वर्ग है सबको मतलब की परेशानी है। इसमें क्या अपना जो भी धरती है जो भी अपना अनाज है इसके बारे में बड़े लोगों को उन्होंने देखा है अपना अनाज जब मंडियों में बिकता है मंडी अपनी उठा दी जाएंगी, सब MSC अपनी सब उठा दी जाएगी, सब जो है अडानी बड़ानी इनको दी जाएगी, सब बड़े बड़ों को या पहले रेलवे बिक गया है हवाई एयरपोर्ट बिक गए हैं ऐसे सब कुछ बिक जाएगा। जो जो है किसान के पास कुछ नहीं रहेगा। हमारे लोग किसान बहुत डटे हैं, सब बॉर्डरों पे डटे हैं, दिल्ली के वहाँ कुछ सुनाई नहीं हो रही। 8 मीटिंगें हो चुकी हैं, 8 मीटिंग में कोई हल नहीं निकाला नरेंद्र साहब ने, और किसान जगह जगह अपनी रैली निकाले। आज लाहौर में है प्रोग्राम, 12 तारीख को गौ तहसील में होगा, ऐसे सब जगह रैली निकालेंगे। क्या चाहिए सर, किसान कानून बिल को जो आज रैली निकाली गई है तो क्या इसमें आपको कमियां लगी और बिल वापस होना चाहिए? बिना मांगे कोई डॉक्टर मरीज को जबरदस्ती दवाई खिलाता है, मरीज मना कर रहा है, किसान ने कोई मांग नहीं की थी इन कानूनों की, लेकिन जबरदस्ती मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके फिर एक तरफा मनमानी तरीके से 3 कानूनों को पास कराया जो कृषि विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, किसान को बर्बाद करने और कॉरपोरेट जगत के कंपनियां अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का जो कानून बनाकर काम किया है, जिससे किसान हमारा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार कई देशों ने इस प्रकार के कानून बनाकर किसानों की संख्या समाप्त कर दी है, हमारे देश का 14.5 करोड़ किसान जो 2 हेक्टर से कम का है वो तो बर्बाद ही हो जाएगा, और बड़े किसान भी इससे खुश नहीं हैं। लेकिन आज करीब 42-43 दिन हो गए मोदी सरकार किसानों के प्रति संवेदन नहीं रहे। आज तक मोदी जी ने किसान नेताओं से किसानों से बात नहीं की। हमारे किसान भाई
माइनस डिग्री टेम्परेचर में, खुले में, वर्षा में सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, दिल्ली को गोलबंद किए हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार लगातार 9 वार्ता चला के किसानों से मामला लंबा खींचना चाहती है ताकि किसान स्वयं परेशान हो जाएं और परेशान होने के बाद मैदान छोड़ के घर चले जाएं। लेकिन हमारे पूरे देश के किसान अब जग गए हैं, उन्हीं के समर्थन में आज लाहौर में हमारे किसान भाइयों ने भारी मात्रा में ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली है और किसानों के जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक ग्वालियर चंबल संभाग और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के समर्थन में जन संघर्ष जारी करेगी और जन जागरण करती रहेगी।